उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन छठी। बिहार साइड में यूपी साइड में इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है। सबसे पहली छठ पूजन क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था, भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया, पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो, और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा, और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा।